सर जी आपका नाम क्या है? मैं कपिल वाजपेयी, जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी आगरा। आप क्या मांगे आपको? हमारी दो मांग प्रमुख मांगे हैं। एक मांग इस बाहाबटेश्वर क्षेत्र को जिला घोषित करना चाहिए। दूसरा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रस्ताव के बाद में यह बात प्रमुख रूप से उठाई गई थी, वह आज भी स्थापित है, जिसके लिए अधिकृत रूप से जगह का चिन्हांकन किया गया था, वह बटेश्वर क्षेत्र था और महाविद्यालय इस बटेश्वर क्षेत्र में बनना चाहिए। यहाँ के महाविद्यालय को अन्य किसी क्षेत्र में, चाहे वो अभयपुरा या किसी भी अन्य बागराजपुरा में जो पहुँचाया गया है, वह गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। उसको बाहा और बटेश्वर क्षेत्र में खास करके प्रमुख रूप से इस पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ होना उसका बहुत आवश्यक। आप किससे मांग कर रहे हो? ये बात हमारी जिला प्रशासन से है और उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार से। आपने कोई लिखित में आदेश दिया है उनको? हम इससे संबंधित आज यहाँ पर लोगों के बीच में जागरण कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ से विनती कर रहे हैं और हर हाल में सोमवार मंगल को यह प्रार्थना पत्र अपना पूरा का पूरा प्रारूप बनाकर कि यहाँ के लोग भी अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरी जगह पर यहाँ का महाविद्यालय ले जाते हैं, ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। ये माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से ये ज्ञापन और अपना पूरा प्रस्ताव ज्ञापन के रूप में जिलाधिकारी महोदय को सौंपने जा रहे हैं। अच्छा, ये आपको कब तक सौंपेंगे जिलाधिकारी को? इसी सोमवार या मंगल को दे देंगे इसको, पूरे प्रस्ताव को जिलाधिकारी पार्टी की तरफ से भी। और यहाँ के क्षेत्र की खास मांग है, विकास के लिए दरकार है और अगर ये लोग नहीं करते हैं तो यहीं पर, जैसे आज धरना शुरू किया था, ये सांकेतिक धरना हमने यहाँ से बढ़ाया है जिसे परमानेंट करेंगे। भाई मंदिर भोलेनाथ के दरवाजे पे, इन लोगों के दरवाजे पे, सरकारी दरवाजे पे धरना दें, उससे अच्छा है भोलेनाथ के दरवाजे पे धरना देंगे। भोलेनाथ की शक्ति के कारण से अच्छे अच्छे अपना मोह प्रताप छोड़ पाते हैं। हम भी अपनी पूरी बात को यहाँ पर कहेंगे और उनके आशीर्वाद से ये महाविद्यालय इसी क्षेत्र में बन पाए। आज जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से सिर्फ ये निवेदन है कि बाहाबटेश्वर की जनता बटेश्वर क्षेत्र के विकास के लिए, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए हमारा सहयोग करें और निश्चित रूप से तरक्की के साधन और संसाधन खुल सकेंगे। हमारी बड़ी आवश्यकता है और हम इस बात को सिद्ध भी करेंगे। अगर जनता अपने विकास के लिए खुद नहीं खड़ी होगी तो खड़ा कौन? तो हमें पहले जनता का सहयोग चाहिए। जनता के सहयोग से ही काम पूरा संभव हो पाएगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।